दोस्तों भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जिथे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इन धर्मों विचों एक है हिंदू धर्म जिस विच बहुत सारिया जातियां पाई जांदियां हैं। इन जातों के अपने अलग अलग खाण पीण के रिवाज भी हैं, पर कई लोग तो अजिहे होंगे जो हर एक चीज़ खा सकते हैं। पर तुसी अक्सर देखा होगा कि ब्राह्मण समाज के लोग लसन और प्याज नहीं खाते, बहुत सारे मंदिरों में भी लसन प्याज की वरतों नहीं की जाती। इस दे पिछे दे कारण की जेकर गल करिए लोग इस दे वक् वक् कारण दसते हैं, पर हिंदू धर्म के वेद और पुराण विच इस बारे बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलो इस वीडियो विच इसे कारण बारे गल करते हैं। दोस्तों कुछ लोग इस पिछे रिलीजियस कारण दसते हैं और कुछ साइंटिफिक। वैसे ब्राह्मणा का जीवन जिन्ना सरल दिखता है उस तो कित वध कठिन होंदा है, क्योंकि इस समाज में एक ब्राह्मण कहाउण लई इन्हां नूं कई औखे रूल्स विचों गुजरना पैंदा है। सिर्फ प्योर वैजीटेरियन फूड ही खाते हैं, इतों तक कि असल ब्राह्मण तेज मिर्च मसाले वाला भोजन भी नहीं कर सकते। अजिहा क्यों होंदा है इस बारे चर्चा करते हैं। कुछ ब्राह्मण दसते हैं कि यह सिस्टम कई जनरेशन तो चले आ रहा है और उन्होंने परिवार भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए वह भी इस मानते हैं। उत्थे ही ब्राह्मण लसन प्याज को धर्म के विरुद्ध दसते हैं, इसलिए वह अजिहा कोई भी काम या चीज़ नहीं खाना चाहते जिस नाल उन्हां दा धर्म भ्रिष्ट होवे। जेकर शास्त्रां दी मन्नीए तां लसन प्याज दे नाल नाल मशरूम भी ब्राह्मणां नूं खाण तों मना कीता गया है, क्योंकि यह सारियां खाण वालियां चीज़ां शरीर विच अशुद्धियां फैलाउंदियां हन, जिस करके इन्हां नूं खाण तों बाद गुस्सा करन दी आदत वध जांदी है। उत्थे ही ब्राह्मणां दा मूल काम पूजा पाठ करना हुंदा है, इसलिए उन्हां नूं अपना मन ते तन दोनों ही शुद्ध रखने पैने जरूरी हैं, जो सिर्फ सादे भोजन राही कीता जा सकता है। उत्थे ही लसन ते प्याज दोनों राजसी भोजन मन्ने जांदे हन, इसलिए ब्राह्मण समाज के लोग इस नूं नहीं खांदे। चलो हुण जाणदे हां प्याज ते लसन ना खाण दे धार्मिक कारण। तुसी सब ने समुंदर मंथन बारे कदे ना कदे पढ़िया जां सुणिया जरूर होएगा। कहा जाता है जदों समुंदर मंथन होया उदों समुंदर विच्चों इक अमृत का कलश कढ़िया गया। अजिहा कहा जाता है इस अमृत दियां कुछ बूंदा पीण नाल देवते अमर हो गए सी। उस समय जदों भगवान विष्णु एक लाइन विच बैठे हुए सारे देवत्यां नूं अमृत वंड रहे सी, तां उस समय राहू अते केतु नाम दे दो राक्षस अपना भेस बदल के चुप चाप इस लाइन विच आ के बैठ गए, जिस बारे किसी नूं भी पता ना लगा। इस तरह गलती नाल उन्हां नूं भी अमृत पिला दिता गया, पर जदों देवत्यां नूं इस बारे पता लगा तां राहू केतु नाम दे दो राक्षस हन जो भेस बदल के अमृत पीण आए हैं। ये गल तो नाराज होकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्कर नाल उन्हां दोनों राक्षस दे सिर धड़ तो अलग कर दिते। हालांकि जदों तक उन्हां दा सिर धड़ तो अलग होया उदों तक अमृत दियां कुछ बूंदा उन्हां दे मूँह विच जा चुकियां सी, मतलब वह दोनों भी अमर हो चुके सी। इन्ना ही नहीं, भगवान विष्णु दे चक्कर नाल जदों इन्हां दोनों की गर्दन कट्टी गई तां खून दियां कुछ बूंदा धरती उपर आ डिगियां। अते ब्राह्मणा द्वारा अजिहा कहा जाता है कि उस खून नाल लसन अते प्याज पैदा हुए सी। आपां सब नूं पता ही है कि प्याज अते लसन खाण नाल मूँह विच स्मैल आउण लगती है। ब्राह्मणा का मनना है कि यह स्मैल राक्षसां दे खून की हुंदी है अते प्याज अते लसन विच इन्हां राक्षसां दा वास हुंदा है। उत्थे ही जेकर आयुर्वेद की गल करिए खाण पीण नूं उन्हां ने दो भागां विच वंडिया है, जो एक एक करके तुहानूं दसदे आं। हालांकि इन्हां पिछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी हैं। तुहाड़ी जानकारी लई दस दी है लसण अते प्याज नूं राजसिक भोजन कहा जाता है। राजसिक का मतलब है अमीरी, भाव जो राजे महाराजे खाते हैं। अजिहे लोग मेहनत की बजाय सिर्फ सुख समृद्धि अते लालच विच अपना जीवन बतीत करते हैं। अजिहा भोजन बहुत स्पाइसी अते ऑयली हुंदा है जो डाइजेशन स्लो करता है, ज़्यादा मिर्च मसाले कारण गुस्से नूं वधाउण दा काम भी करता है। अजिहे भोजन विच चाह मिठाई तले भोजन चाइनीज़ फूड आउंदे हन। तुसी देखिया होएगा जो ब्राह्मणा तो इलावा वरत रखते हैं वह भी लसन प्याज तो परहेज करते हैं, इतों तक कि भगवान को भोग लगा समय भी ब्राह्मण लसन अते प्याज का प्रयोग नहीं करते। साधु संत कृष्ण भगत जैन कम्यूनिटी के लोग भी प्याज अते लसन खाण तो परहेज करते हैं, क्योंकि इस कम्यूनिटी के लोग लंबे समय तक वरत रखते हैं अते अपने रिलीजियस रूल फॉलो करते हैं। पर दूजे पासे कहा जाता है कि लसन अते प्याज सेहत लई चंगे हुंदे हन, इस दे नाल ही भोजन दे टेस्ट नूं भी वधाउंदे हन, नाल दी नाल कई बीमारियां दे लड़न विच भी मदद करदे हन प्याज अते लसन। पर इस दे किन्ने भी फायदे क्यों ना होण ब्राह्मण इस दा प्रयोग बिल्कुल नहीं करदे।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।